हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड करना बताऊंगा। ये क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन से जो एग्जाम में पूछा जाता है। अगर इसे टॉपिक की बात करें तो ये सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आता है। इसमें देखिए आपसे बोला गया है कि फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, इसके आपको रूट्स फाइंड करने हैं। देखिए रूट्स का मीनिंग क्या होता है, रूट्स का मीनिंग होता है सॉल्यूशन, या फिर इसे हम जीरोस भी बोलते हैं। यानी अगर आपको कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी जाए और कहा जाए रूट्स फाइंड कीजिए, या फिर कहा जाए सॉल्यूशन फाइंड कीजिए, या फिर कहा जाए जीरोस फाइंड कीजिए, तो तीनों वर्डों का मीनिंग एक ही है। अगर आपकी भाषा में हम बोलें तो इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है, तो जीरोज़ बोले या फिर रूट्स बोले, उनका मीनिंग यही होता है कि आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मीनिंग क्या है कि आपको एक्स की वे वैल्यू बतानी है जो इस पूरी इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। तो इसके लिए मेथड देख लेते हैं। अगर हम क्लास टेंथ की बात करते हैं तो आपके सिलेबस में देखिए मेथड है सॉल्व करने के लिए। मेथड तो दो से तीन होते हैं, बट आपके जो सिलेबस में मेथड है वो है फैक्टोराइजेशन मेथड, यानी फैक्टर करके कैसे इसे सॉल्व करना है। तो आपको क्वेश्चन दिया जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन और उसमें कहा जाएगा कि इसको आपको सॉल्व करना है फैक्टर मेथड से, तो आपको फैक्टोराइजेशन मेथड से ही सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे करते हैं देखिए, तो सॉल्व करने का मीनिंग जैसा कि मैंने आपको बताया, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी होती है वे जो इस पूरी इक्वेशन को सेटिस्फाई करें। मतलब अगर मैं यहाँ पर वो वैल्यूएं रख दूँ तो यहाँ पर ये पूरा जीरो हो जाना चाहिए। अब ऐसे तो हम सोच नहीं सकते, ओके, हालांकि हम तो बता सकते हैं बट आपके लेवल पर नहीं आप सोच सकते। तो उसके लिए आपको सॉल्व करके बताना है। देखिए कुछ नहीं करना है आपको, बस फैक्टर करने हैं। अगर मैं थोड़ी देर के लिए इस जीरो को हटा देता हूँ और मैं आपसे कहता हूँ कि ये क्वाड्रेटिक एक, अब ये देखिए क्या हो गया, अगर मैं जीरो हटा दिया ना, अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अगर मैं जीरो कर देता हूँ तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर मैं ये हटा देता हूँ जीरो तो ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो आपको क्या करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखा हुआ है इसके बस आपको फैक्टर करने हैं। फैक्टर करना आप जानते हैं कैसे करते हैं, देखो फैक्टर करने के लिए आपको देखना होता है यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर का कोफिशेंट हो और ये कॉन्स्टेंट टर्म, इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी होती है। तो 1 इंटू 10 कितना आएगा, 10 आएगा। अब आपको क्या करना है, ये जो नंबर लिखा हुआ है एक्स के मल्टीप्लाई में, आपको इस नंबर यानी 7 को इस तरह से लिखना है दो नंबरों में कि अगर इन्हें हम ऐड करें या फिर सब्ट्रैक्ट करें तो 7 आए, और मल्टीप्लाई करें तो 10 आए। तो सोचिए ऐसे दो नंबर जिन्हें हम ऐड करें या फिर सब्ट्रैक्ट करें तो 7 आए, और मल्टीप्लाई करने पर 10 आए। तो कौन से भी नंबर हैं, 5 और 2 हैं। अगर मैं 5 और 2 को ऐड कर देता हूं तो 7 आ जाएगा, और अगर मल्टीप्लाई कर देता हूं तो 10 आ जाएगा। इस तरह के आपको करना होता है। तो फैक्टर आप जानते होंगे, बस कीजिए फैक्टर ही कीजिए इसमें, फिर मैं बताऊंगा कैसे x की वैल्यू निकलेंगी। तो 7x को मैं कैसे लिख सकता हूँ, सॉरी 7 को कैसे लिख सकता हूँ, 5 प्लस 2 इंटू x बराबर 10। तो ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की देखिए अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5x प्लस 2x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। अब आप जानते होंगे जब हम फैक्टर करते हैं, यहाँ देखिए यहाँ से ये जो पहले दो टर्म है यहाँ से x कॉमन आएगा, देख लीजिए आप, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर एक x है, तो एक x यहाँ से कॉमन आ जाएगा। तो क्या बचेगा यहाँ, x, और यहाँ पर क्या बचेगा, 5। अब इस टर्म में देखिए क्या कॉमन है, तो यहाँ से देख सकते हैं आप 2 कॉमन है, ठीक है 2 कॉमन है, तो प्लस का 2 कॉमन है ले लेते हैं, तो यहाँ क्या बचेगा, एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ से देखिए इस वाले टर्म में x प्लस 5 कॉमन है इन दोनों में, तो x प्लस 5 कॉमन ले लेते हैं, और यहाँ क्या बचेगा, जब यहाँ से x प्लस 5 मैंने ले लिया तो यहाँ x बचेगा, यहाँ से भी x प्लस 5 ये आ गया, तो यहाँ क्या बचेगा, प्लस का 2 बराबर 0। तो इतना जो आप इसको छोड़िए, इतना तो काम आप करते ही हो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फैक्टर फाइंड करने में बस। तो इतना अब आपको क्या करना है, सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए, एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए जो पहला ब्रैकेट है उसको जीरो के बराबर रख देना। तो रखते हैं एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 0, और यहाँ से एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेना। तो एक्स की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, माइनस 5, 5 को इधर ले जाएंगे हम, तो बस एक सॉल्यूशन आपका ये निकल आया, ओके। अब दूसरा सॉल्यूशन निकालने के लिए दूसरे वाले ब्रैकेट को एक्स बराबर ये जीरो के बराबर रख दो, तो वो हम मैं यहाँ पर कर देता हूँ, तो एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो एक्स की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, माइनस 2। तो यही हमारे
क्या हो गई सॉल्यूशन इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, मतलब अगर आप x बराबर -5 यहाँ पर पुट कर दो ना तो ये पूरा जीरो हो जाएगा, इसी तरह से अगर x बराबर -2 यहाँ पर पुट कर दोगे आप तब भी ये जीरो हो जाएगा। तो ये इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन बोलिए, रूट्स बोलिए या फिर जीरोज बोलिए, कुछ भी बोल सकते हैं, इन तीनों में से तीनों का मीनिंग एक ही है। और अगर सिंपल भाषा में कहें तो ये इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन है। तो इस तरह से फाइंड किए जाते हैं, कुछ नहीं है, बस आपको फैक्टर करने हैं और एक फैक्टर को जीरो के बराबर करना है, फिर दूसरे को करना है और एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेना है। तो इसे आप नोट कर लें, इस तरह से सॉल्यूशन फाइंड किए जाते हैं।